इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नवजोत सिमी को कि वह महोदय के सामने अपना परिचय रखें और वार्तालाप को जारी रखें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम नवजोत सिमी है। मैं पंजाब के गुरदासपुर जिले से हूँ और मुझे बिहार कार्डर आवंटित हुआ है। सर, मैंने डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री लुधियाना से की है। मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पटना में हुई और इसी दौरान महिला पुलिस कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, साहस और प्रेरणा से मैं काफी उत्साहित हुई। जय हिंद श्रीमान। नवजोत जी, आपने तो लोगों को दांत दर्द से राहत दिलाने के लिए दांतों की सेहत ठीक करने का जिम्मा उठाया था। ऐसे में देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने का रास्ता आपने क्यों चुना? सर, मैं सिविल सर्विसेज की तरफ सर मेरा झुकाव काफी पहले से ही था और सर एक डॉक्टर का काम और एक पुलिस का काम भी लोगों की पीड़ा को दूर करना ही होता है सर। तो सर मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से और भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रहकर लोगों की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान दे सकती हूँ। आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की है तो ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश में बेटियों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित करने वाली है। आज पुलिस में बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है। इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपका कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई अनुभव हो तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सर, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में हम लोग ट्रेनिंग में थे सर। वहाँ पर विमेन कॉन्स्टेबल्स का एक बहुत ही बड़ा बैच था, उनके साथ इंटरेक्शन करने का मुझे मौका मिला तो सर मैं इतनी ज़्यादा उत्साहित हुई कि वो सब लड़कियाँ आगे पढ़कर बहुत कुछ बनना चाहती थी सर।